ऐश्वर्या राय इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। काफी समय से उनके और अभिषेक बच्चन के बीच अनबन की खबरें आ रही हैं, लेकिन दोनों ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है। दोनों अपने रिश्ते पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। तलाक की अफवाहों के बीच ऐश्वर्या कई इवेंट्स में नजर आ चुकी हैं, लेकिन इन मौकों पर वे हमेशा अपनी बेटी आराध्या के साथ होती हैं। अभिषेक किसी भी इवेंट में उनके साथ नजर नहीं आए हैं। कुछ समय पहले ऐश्वर्या एक इवेंट में बिना वेडिंग रिंग के दिखाई दी थी, जिससे कयासों का दौर और तेज हो गया था। अब हाल ही में ऐश्वर्या एक इवेंट में अपनी वेडिंग रिंग पहने नजर आई, जिसने फैंस को चौंका दिया। इससे पहले अभिषेक को भी बिना वेडिंग रिंग के देखा गया था, लेकिन बाद में वे एक इवेंट में रिंग फ्लॉन्ट करते दिखे। अब ऐश्वर्या ने भी अपनी वेडिंग रिंग फ्लॉन्ट की है। बीते साल पेरिस फैशन वीक में शानदार उपस्थिति के बाद इस साल भी ऐश्वर्या रेड कार्पेट पर जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं। वो अपनी बेटी आराध्या के साथ पेरिस फैशन वीक में शामिल होने के लिए वेन्यू पर पहुंच चुकी हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनके हाथ में वी शेप वेडिंग रिंग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इस इवेंट में ऐश्वर्या ने मल्टी कलर लॉन्ग कोट पहना हुआ है, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही है। वही आराध्या सिंपल लुक में पिंक टी शर्ट और डेनिम में नजर आ रही हैं। गौरतलब है कि ऐश्वर्या और अभिषेक के अलग होने की चर्चाएं तब और बढ़ गई थी, जब ये कपल अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में अलग अलग पहुंचा था। इसके बाद अभिषेक ने तलाक से जुड़ी एक पोस्ट को लाइक भी किया था, जिससे अफवाहें और तेज हो गई थी। जैसे ही तलाक की खबरें फैलते ही अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के हाथ में अचानक से सगाई की अंगूठी आ गई है। अब लोग अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन से तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी अनबन को जमाने से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सच क्या है ये तो अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ही बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और ऐसी बॉलीवुड की खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।